हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई जस्ट होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बस गाइस, है ना, थोड़ा सा ये फूडी हो गई है आपके इधर, और ये शायद एक दो दिन में निकलने ही वाली है, तो मैं बस उसका वेट कर रही हूँ। और आवाज़ से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अब मेरी जो तबीयत है पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। बहुत दिनों से ना तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग वगैरह बनाया ही नहीं। ब्लॉग क्या बनाया, मतलब मैंने फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया होगा ज़्यादा, मतलब अगर काम नहीं है तो। एंड देखिए, मुंबई में बारिश एकदम झमाझम बरस रही है, बहुत मज़ा आ रही है गाइज मुंबई में। अभी एकदम ठंडा मौसम हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड गाइज, आप लोगों को एक और बात बताती हूँ। आज है ना, मैंने पहना है ये वाला जीन्स और उसके ऊपर पहना है ये वाला टॉप। तो है ना, ये वाला जो ड्रेस है ना, वो मुझे बिफोर प्रेगनेंसी मतलब आ रहा था, थोड़ा टाइट हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा मोटी होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब वापस है ना, देखिए गाइस, एकदम मस्त फिटिंग आ गया है। तो मुझे ना इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतने दिनों के बाद में मैं ना पुरानी ड्रेस पहन रही हूँ, जो कि एक टाइम पर मेरी द फेवरेट हुआ करती थी। एंड देखिए कितना अच्छा है ना, एकदम कलरफुल वाला है। तो ये काइंड ऑफ ऑफिस वेयर है, लेकिन आज मैंने सोचा कि इसको घर में ही पहन लेती हूँ। और अच्छा मौसम भी हो रहा है, अच्छी ड्रेस भी पहन ली है, और अब बस अच्छा खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो अब मैं बनाने वाली हूँ लंच में आलू की सब्ज़ी, रोटी, दाल और चावल। तो आलू की सब्ज़ी मैंने सोचा आज ना थोड़ी फ्राई करके बनाती हूँ। एंड आई डोंट नो आप लोगों को आवाज़ बराबर आ रही होगी या नहीं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। सीरियसली मतलब 10-15 दिन से ना बारिश रुक ही नहीं रही है, तो इतनी ज़्यादा लोगों की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। पहले तो मेरे को बुखार वगैरह आया था, और फिर ध्रुव को आ गया था। तो ध्रुव भी अभी ठीक है एकदम, मैं भी एकदम ठीक हूँ। बस ये आँख का प्रॉब्लम है, बस ये आँख फटाफट मेरी ठीक हो जाए। इसको ये ना मतलब वो आँख आती है वो वाली नहीं है, इसमें फोड़ी टाइप हो गई है। तो उस वजह से मेरे को ना जब जब मतलब मैं पलके झपका रही हूँ ना, उतनी बार वो मुझे पेन हो रहा है। छोड़िए ये सब, चलो हम बनाते हैं खाना। क्या देख ले हो? कौन है इसमें? कौन है? कौन है? अले अले बदमाश बदमाश बेटू। सो गाइस, जैसे मैंने आज ध्रुव को देखा ना मतलब फीवर में, तो मुझे बिल्कुल अपने मम्मा की याद आ गई। मतलब मैं भी जब छोटी थी, फीवर आता था या तबीयत ठीक नहीं होती थी ना, तो बस ऐसे लगता था कि मम्मा के लैप पर सो जाऊं और शायद इससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। हाथ खींच के भाई, ये छोटे छोटे से हाथ खींच के क्या देख ले? छोटे छोटे से बाबू क्या देख ले हो भाई? बारिश के मजे ले ले हो मुंबई के, है ना? बारिश आई छम छम छम। सो गाइज, यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की सूखी सब्जी। तो यहाँ पर मैंने सरसों लिया, फिर उसमें जीरा और थोड़ी सी राई डाल दी, उसके बाद मैं प्याज, हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता डालकर मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया। उसके बाद मैं गाइज यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, एंड बस ये हो गया है रेडी। यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो मैंने मिर्ची डाली है ना वो ऑलरेडी तीखी है, तो फिर ज़्यादा तीखा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बॉईल किए हुए जो पोटैटो थे वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो इनको मैंने मीडियम साइज में कट किया है, एंड देखिए सब्जी बनकर हो गई है रेडी। लेकिन यहाँ पर है ना मैं थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ। तो रेड चिली फ्लेक्स गाइस मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन मैंने क्या किया, जो लाल सूखी मिर्ची जिस डब्बे में रखती हूँ ना उसके नीचे थोड़ा सा पाउडर बचा हुआ था, तो वही मैंने इसके अंदर जुगाड़ करके डाल दिया। एंड देखिए गाइस कितना मस्त लग रही है ना अभी सब्जी, और दाल चावल और रोटी सब बनकर हो गया था रेडी। एंड देखिए गाइस कितनी मस्त लग रही है हमारी सब्जी आलू की। तो ये ना सूखी सब्जी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है।
हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 7:15 और इतना अच्छा मौसम हो रहा है। और गाइस, मैं ना 5 बजे सो गई थी और अभी उठी हूँ 7 बजे। इतनी मस्त नींद कंप्लीट हुई है ना, मतलब एकदम से थकान पूरी निकल जाती है पूरे दिन की, क्योंकि वैसे तो काम नहीं होता है लेकिन कैसा है ना, मतलब ध्रुवी का हर छोटा छोटा काम, ये करना है तो भी उठो, वो करना है तो भी उठो, तो बहुत सारा, मतलब ध्रुव बच्चों का ना काम बहुत ज़्यादा होता है और दिखता नहीं है कि यार क्या एक बच्चा ही तो संभाल रही है, लेकिन बच्चों का काम ही सबसे ज़्यादा होता है। मतलब कोई बच्चा संभाले ना थोड़ी देर के लिए तो तुरंत मतलब इतने सारे खुद के काम कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो मैं बस वेट करती हूँ कि ये दोनों आए और मेरा काम कंप्लीट हो जाए। एंड ध्रुव के पापा जी भी कल आ गए हैं टूर से, मतलब कल नहीं बोल सकते, आज बोल सकते हैं क्योंकि रात को ये 3 बजे घर पे पहुँचे हैं, तो उस वजह से, और इनकी भी नींद कंप्लीट हुई नहीं है, तो फटाफट ये भी खाना खाएंगे और सोएंगे। तो आज मैं सोच रही हूँ ना कुछ इनके पसंद का बनाऊँ, तो आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी, क्योंकि ना मतलब बाहर का तो खाते ही है टूर में होते हैं तो, लेकिन आज घर का जब खाना खाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। एंड आफ्टरनून में भी मैंने सब्जी रोटी दाल चावल सब बनाए थे तो उनको बहुत अच्छा लगा था, और अभी मैं सोच रही हूँ पाव भाजी बना देती हूँ। तो उसमें क्या है ना, पाव बाहर से आते तो मेरे भी मज़े हो जाते हैं क्योंकि चावल रोटी वगैरह ये सब बनाने का टेंशन नहीं होता है, तो आज मज़े करेंगे हम। एंड नीचे ना पूरा पानी भर गया 2-3 घंटे में, मतलब मैं सोई थी तब इतना पानी नहीं था और अभी तो बहुत तगड़ा वाला पानी भर गया नीचे, तो मुंबई में एकदम झमाझम बारिश हो रही है। तो ट्रैवल भी कुछ कुछ लोग कर सकते हैं लेकिन हम जैसे लोग ट्रैवल अभी नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज़ का अफसोस है, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी करेंगे थोड़े दिनों के बाद में। एंड अभी तक की तो यही अपडेट है। अभी मैं थोड़ी देर में पाव भाजी बनाना कर दूँगी स्टार्ट, थोड़ी देर में क्या, अभी धीरे धीरे कटिंग वटिंग करना स्टार्ट करूँगी, तब तक ध्रुव आ करने लग ही जाएगा, तो मैं भी लग जाती हूँ अब अपने काम पर। सो गाइज, यहाँ पर देखिए भाजी की प्रिपरेशन मैंने कर दी है स्टार्ट, सारे वेजिटेबल्स वगैरह सब कट करके रख दिए हैं, अब बस इनको बनाना है बाकी। तो यहाँ पर मैंने कुकर लगा दिया है, कॉलीफ्लावर, आलू, बीटरूट, मटर ये सब मैंने यहाँ पर डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाल दिया एंड सीटी बुला दी। तो बस जब मतलब सब्जी रेडी हो जाती है ना बॉईल होकर, तो फिर तो पाव भाजी मतलब भाजी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, विद इन 15 मिनट्स पूरा भाजी बनकर रेडी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मैं ध्रुव को दे रही हूँ दवाई, तो देखिए वो किस तरीके से ना मुँह बना रहा है, मतलब दवाई इतनी खारी होती है यार बेचारे, पता नहीं कैसे ले रहा है वो, क्योंकि सच बोलूँ ना मुझे खुद भी मतलब बुखार में होती हूँ तो एक तो इतना मतलब इरिटेटेड फील करते और उसके ऊपर फिर दवाई वगैरह भी लेना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ध्रुव को जल्दी ठीक भी होना है तो इसीलिए फिर उसको दवाई देनी पड़ी, तो मैं बस उसको ऐसे ही खिलाते खिलाते दवाई दे रही थी। तो गाइस आप लोग मानोगे नहीं, लगभग आधा घंटा लगा मुझे उसको दवाई देने में, क्योंकि वो है ना मतलब बीच बीच में रोने भी लग जाता है तो उसको भी संभालना पड़ता है। और जैसे उसको सुलाया ना, देखिए उसने तुरंत पलटी मार दी। और उसके बाद में ध्रुवसा के पापा जी आ गए थे ऑफिस से, तो यहाँ पर वो हमारी कर रहे हैं हेल्प। एंड यहाँ पर देखिए भाजी भी बनकर हो गई है एकदम रेडी, तो हम दोनों ने एक्चुअली आज है ना मिलकर बनाई है भाजी को, तो थोड़ा सा मैं बना रही थी, फिर ध्रुव रोने लग जाता है तो उसको लेना पड़ता है, और फिर यहाँ पर ध्रुवसा के पापा जी भी हेल्प कर रहे थे मेरी। ऑटोग्राफ मिलेगा आज बनी है घर पे पाव और भाजी। मैं ध्रुव को सुला रही हूँ यहाँ पर, तो ये वाला जो तेल मैंने घर पे बनाया था उसी से मैं कर रही हूँ मालिश ध्रुव की। अब गाइज यहाँ पर देखिए ध्रुवी की हो रही है मालिश, है ना ध्रुवी, और ध्रुव साथ में अपने टॉय के साथ में खेल रहा है, ये इसका फेवरेट टॉय है, और जब तक ये इसके साथ में एंगेज रहेगा तब तक मैं फटाफट इसकी मालिश कर देती हूँ। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कामों को डरना, आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
सो गाइज, यहाँ पर है ना, मैं लोरी की जगह पर हनुमान चालीसा गा रही हूँ। आई नो आप लोग सरप्राइज होंगे कि यहाँ बच्चा है तो छोटा सा, तो उसके लिए लोरी गानी चाहिए। लेकिन गाइज, मैंने सोचा कि यार लोरी सीखूंगी फिर उसको सुनाऊंगी, तो इससे तो अच्छा है कि है ना मैं भगवान की ही नाम लूँ और उसके भी कान में मतलब भगवान के नाम जाएंगे तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसीलिए अब है ना रोज रात को मैं उसको हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाती हूँ और वो हनुमान चालीसा सुनते सुनते मस्त आराम से मज़े की नींद में सो भी जाता है। एंड गाइस, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, मतलब 3-4 मंथ 5 मंथ के, तो वो है ना मतलब चमकते भी बहुत है। मतलब रात को है ना अंधेरे में या फिर है ना वो अचानक से एकदम सोते सोते एकदम डर जाते हैं। तो इसीलिए जब से मैंने हनुमान चालीसा स्टार्ट किया ना गाइस, तो तब से मैंने काफ़ी हद तक फ़र्क देखा है ध्रुव के अंदर और मुझे भी है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता ही, मेरा भी बिजी शेड्यूल होता है तो उस वजह से बिल्कुल टाइम ही नहीं निकल पाता है। लेकिन उसको सुलाने के बहाने मैं भी पूरी हनुमान चालीसा एक बार कंप्लीट कर देती हूँ एंड ध्रुव भी आराम से सो जाता है। तो गाइस, आई जस्ट होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को कर देना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। एंड कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी आपकी राय है तो आप लोग मोस्ट वेलकम है। प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय लिख सकते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट सुनना एंड उसके बारे में सोचकर फिर उस हिसाब से कुछ ना कुछ नया ट्राई करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज, गुड नाइट। एंड गाइज, यहाँ पर देखिए हम खा रहे थे खाना, तो बस उसका है ना मैंने छोटा सा क्लिप लिया था।